हमारी जो टीम सिलेक्ट हुई है श्रीलंका सीरीज के लिए, जहां हमें दो टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और शाहिद भाई से ये हम चेक करेंगे, दोबारा पूछेंगे कि इस शाहिद भाई, इस पूरे साल में हमने सिर्फ 14 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और जिस तरह का हमें दिख रहा है मोटिवेशन हमारे प्लेयर्स में, जैसे हमने शाहीन शाह आफरीदी की बात की, उन्होंने प्रूव किया है कि वो बहुत अच्छी अपनी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट को सीरियसली ले रहे हैं, और उन्होंने 100 विकेटें पूरी करनी है। सो आपको लगता है कि हमारी टीम के दिमाग में ये है कि इस साल हमारे बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं हैं, और अगर हमें टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो वी हैव टू टेक एवरी मैच वेरी सीरियसली, और आपको लगता है कि प्लेयर्स शाहीन शाह आफरीदी को देखते हुए, नसीम शाह जिस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं रिसेंटली, आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स सारे गियर्ड अप हैं इस सीरीज को 2-0 करने के लिए, जीतने के लिए? देखिए, अगर पास की परफॉर्मेंसेज देखी जाए, हर इंडिविजुअल प्लेयर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, सारे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन सारे इंडिविजुअल से, और एज अ टीम इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जिस तरह फैसल लड़के कॉन्फिडेंट उसी वक्त फील करते हैं जब आपके पीछे परफॉर्मेंसेज हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेयर की बहुत अच्छी अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, और सारे लड़के उनको ये भी पता है कि उनकी परफॉर्मेंसेज से टीम में कितना फर्क पड़ता है। ज्यादातर बच्चे हमारे माशाल्लाह से स्टार्स हैं, उनकी उनको पता है कि स्टार्स बने कैसे जाते हैं और क्यों बने हैं वो, तो उनके सामने है कि परफॉर्मेंस होगी तो वो इंशाल्लाह और बड़े स्टार बड़ा नाम बनाएंगे पाकिस्तान की तरफ से, तो ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सारों के लिए है, आगे वर्ल्ड कप है, परफॉर्म करते रहें, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दें और एक अच्छी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं, जो भी क्रिकेट मिलती है उसको एंजॉय करें और अच्छा अच्छा परफॉर्म करें। बाकी हमारी जो सपोर्ट है, मीडिया की जो सपोर्ट है, वो सब उनके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्युटली शाहिद भाई, हमने रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो हैं मिकी आर्थर, उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है गेम सेट मैच की टीम ने, सवेरा पाशा ने, क्योंकि कुछ ग्लिम्पसेस आपको दिखाते हैं, फिर उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज काफ़ी इंकरेजिंग बातें की है मिकी आर्थर ने, और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि प्लेयर्स को पूरा बैकअप मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, और प्लेयर्स जो है हमारे परफॉर्मेंसेज के साथ हैं सारे प्लेयर्स, और उम्मीद ये है कि अच्छी परफॉर्मेंसेज होगी, तो मिकी आर्थर की बात कुछ सुनते हैं और फिर मजीद आपसे सवाल करते हैं। Cricket has changed. Yes. And Pakistan over the last couple of years hadn't changed with the times. I just want the Pakistan supporters to know the team's in very good hands. All I can ask is get behind the boys. Don't criticize them too much. Players do get affected by it. The squad that we have had for that New Zealand series and the squad that's going to go forward to Asia Cup and World Cup is not going to differ much from that. We had 20 players there. We've just got to cut it to 15. We'll be in a very good place, and hopefully, inshallah, the results go our way. शायद तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, सपोर्ट के हवाले से तो वो सही है, लेकिन अगर टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएं तो टीम की सिलेक्शन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मिकी आर्थर ने, कि हमारी जो टीम ओडीआई सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है, वही मोस्ट प्रॉब्ली वही टीम या मोस्टली वही प्लेयर्स जो है हमें एशिया कप में दिखेंगे और वही हमें वर्ल्ड कप में दिखेंगे। आपको लगता है कि बड़ा स्टेटमेंट है, बिकॉज हम कुछ प्लेयर्स के बारे में कहते हैं, जैसे हम इमाद वसीम का कह रहे थे कि वो टीम में होने चाहिए, इस तरह कुछ और प्लेयर्स का भी हम हाईलाइट कर रहे थे कि दे कुड हैव बीन पार्ट ऑफ द ओडीआई साइड अगर आपको वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है। सो आपको लगता है कि आखिरी पार्ट दोबारा बोलिएगा जी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि मिकी आर्थर ये कह रहे हैं कि आपकी जो प्लेइंग 11 है या 15 रुकनी टीम जो एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए होगी, वो वही होगी, अराउंड उन्हीं प्लेयर्स के अराउंड होगी जो आपके न्यूजीलैंड सीरीज़ में खेले हैं। आपको लगता है कि हम, क्योंकि शोज़ पे और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात करते रहे कि आपके मिक्स में कुछ चेंज होना चाहिए, जैसे इमाद वसीम अच्छी फॉर्म में, ही कुड हैव बीन पार्ट ऑफ योर ओडीआई साइड, तो कॉम्बिनेशन और अच्छा बन जाएगा, तो आपको लगता है कि मिकी आर्थर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं सिलेक्शन को लेके, आपको लगता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? देखें, मिकी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बुरा नहीं है, अच्छा है, रिकॉर्ड है। दूसरा ये कि उसके लिए, क्योंकि उसको पता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, जब आप पावर देते हैं तो आई नो के पावर के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आती है, क्योंकि मेन जो है वो कोच और कप्तान, इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा आती हैं। सिलेक्शन तो ये है कि आप 20-22 लड़के सिलेक्ट करते हैं और उस 20-22 में से आप 15, खुदा ना खासा कोई इंजर्ड होता है 15 में से, तो नीचे से 20-22 लड़कों में से एक वो लड़का तैयार हो रहा होता है और वो आता है टीम के अंदर, तो वो टीम सिलेक्शन ऐसे कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कॉम्बिनेशन लाजमी देखते हैं, जिस तरह आप इमाद वसीम की बात कर रहे हैं,
इसी तरह मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम नो डाउट यूटिलिटी क्रिकेटर है, एक अच्छा ऑलराउंडर है, बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही है उसकी पास में, जिस तरह PSL खेला उस लड़के ने, और उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ऐसी है कि आप नया बॉल अगर हमारे शुरू में फास्ट बॉलर अच्छा बॉल नहीं कर पा रहे, मार लगती है, मतलब मार पड़ती है उनको, तो आपके पास इमाद वसीम एक ऐसा बॉल है जो नया बॉल बड़ा जबरदस्त बॉल करता है, और इमाद वसीम ने नई बॉलिंग बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग की है। असल जो चीज थी उसकी बैटिंग थी, और बैटिंग के अंदर उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे ख्याल में जो PSL उसने खेला तो आउटस्टैंडिंग पूरी, मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम ही पूरा कराची किंग था, तो आई नो कि उसका मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में वो 20-22 लड़कों के स्क्वाड में तो लाजमी होगा, और साथ में अगर लेट्स सी के ये कप्तान और कोच मिलके क्या टीम सिलेक्शन कमेटी क्या टीम बनाती है वर्ल्ड कप के लिए, तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी कुछ सीरीज वगैरह भी है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा चेंजेस जो है मैं नहीं समझता कि वो होनी चाहिए जो कि नॉर्मली होती है हमारी वर्ल्ड कप से पहले। बाकी जितनी भी वर्ल्ड की टीमें हैं वो मेरे ख्याल में 2.5-3 महीने पहले अपने जो 15 लड़के हैं वो अनाउंस कर देते हैं, और उन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देते हैं, और उन्हीं लड़कों को फिर ग्राउंड में बड़े इवेंट्स के लिए उतारते हैं, तैयार रखते हैं। शायद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मिकी आर्थर ने कही कि हमें जो हम जो क्रिकेट के फैंस हैं वो भी बड़ी बात करते हैं कि क्रिकेट चेंज हो रही है, जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेलता है, वो काफ़ी अग्रेसिव है, डिफरेंट है, तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, मैकलम टाइप के अगर कोच होते हैं आपके तो आपकी टीम का पूरा सेटअप ही चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू अप्रोच ODI क्रिकेट और हाउ यू अप्रोच टेस्ट क्रिकेट। मिकी आर्थर ने भी ये बात की कि पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी है कि हम इंग्लैंड की तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन हमें बस अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। सो डू यू थिंक दैट ऑल्सो इज़ गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन, बिकॉज आज हम यही कहते हैं कि हमें नए फॉर्म ऑफ क्रिकेट में अडाप्ट करना है, चाहे टेस्ट क्रिकेट वही है, लेकिन आज बात होती है कि एक दिन में हमने 350-400 रन करने हैं। सो डू यू थिंक दैट ऑल्सो इज़ द राइट अप्रोच फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, और वो हमारे लड़के इतने केपेबल हैं कि इस सिचुएशन को अडाप्ट कर लेंगे? फैसल ये चीज़ जो है ना, ये आप अचानक नहीं चेंज करते, इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और टाइम किधर देना पड़ता है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो नया बच्चा आ रहा है, जो A-team खेल रहा है या Under-19 खेल रहा है, उन बच्चों के दिलो दिमाग में ये चीज़ डालें, और जब डोमेस्टिक आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जब ये चीज़ आ जाती है, जब वो प्लेयर ऊपर आता है तो वो ऑटोमेटिकली उस माइंड सेट के साथ ही आता है, तो अगर आप अचानक ही सारा कुछ चेंज कर लें पाकिस्तान टीम से, तो मेरे ख्याल में इसमें ये है कि ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आप उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, फिर आप बैकफुट पे जाते हो, फिर आप कहते हो यार वो पहले वाला तरीका ही ठीक था, तो इस चीज को अगर लेके आना पाकिस्तान टीम में तो इसको डोमेस्टिक से शुरू करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड की टीम ने ही आगे शुरू किया, पहले इसको काउंटी क्रिकेट में लेके गए, तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अचानक आप चीजें चेंज नहीं कर सकते, इसको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करें पहले। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंग्लैंड ने भी ओवरनाइट चेंज नहीं किया, वो एक पूरा सीक्वेंस था जिसमें उन्होंने प्लेयर्स को किया इस तरह की क्रिकेट के लिए। अभी जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा दिखते हैं हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए, और फिर उसके बाद आप अपने कोचिंग स्टाफ को मैकलम टाइप के कोच लेके आते हैं, तो फिर वो पूरा एक सेटअप बन जाता है जहां आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ओवरनाइट ही ऐसे चेंज नहीं हो सकता कि यू नो एक बटन दबा और सारा माइंडसेट ही पूरा चेंज हो गया। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट लेट्स होप कि ये चीज़ें डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर्स में अडाप्ट होते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे।